This lesson we are going to learn two lessons together. That is, one is figures and another is essential vowels. So figures, हम एक से लेके सात तक we write shorthand outlines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9 also. We write shorthand outlines to represent the figures. But when it comes to hundreds and thousands, we write particular symbols to indicate the figures. So, in dealing with round numbers, the following abbreviations for 100, 1000, million and billion are used. 100 के लिए n नीचे लिखेंगे. Suppose figure ऐसा लिख दिया था, नीचे ऐसा लिख दिया, 900 इसका मतलब. ठीक है. 1000 के लिए इतने लिखेंगे, नहीं है तो इट्स लिखेंगे 3000 और मिलियन के लिए यम फिगर के नीचे लिखेंगे 3 मिलियन 6 मिलियन 9 मिलियन लाइक दैट. बिलियन के लिए इमीडिएटली आफ्टर 3 और 9 वी राइट बी. पाउंड्स ऐसा लिखेंगे पी हालड एन साइड सर्कलेस. ठीक है. डॉलर के लिए इन्होंने डी सर्कलेस लिखने के लिए बोला था डॉलर्स के लिए, बट आई डोंट प्रेफर. इफ यू वांट टू मतलब प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस डॉलर्स 15 डॉलर्स. ये डेज बन सकता है इसलिए आई एम नॉट एडवाइजिंग, बट यू राइट इट अबोव द लाइन. सो डॉलर लिखते वक्त ये हैड भी बन सकता है या यार्ड बन सकता है. सो it is better not to write dollar, just write the stroke dollar, no problem. Pounds ke liye aap aram se likh sakte hain 15,000 pounds like that. And percent jab hum likhna hai, suppose 15% likhna hai hame, ek p ko immediately 15 ke baad likhenge aur 4 ke baad p immediately likh diya to 4%. Otherwise, you can write like this also. Since you waste time in writing the full stroke, P immediately figure के बाद लिख दिया तो it represents percent. Percent दोनों का बीच में gap होता है. You know it, I think. Percent. ठीक है. और मैंने बोल रहा है accent का ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. बोल रहा है कैसा है? Arrows आपने लिख दिया था. एरोस वो एरोस और एरोज एरोज दोनों के लिए एक ही स्ट्रोक है. तब एरोस का वक्त है इधर आपको एक क्रॉस लगाने के लिए बोल रहा है. सो यारोस ये बोलने के लिए इसके ऊपर और इधर लगाना पड़ेगा एरोस में. बट I don't think it is necessary. आप थोड़ा सा context follow किए तो you can easily transcribe the thing. And कोई नाम लिखते वक्त name, suppose रामा लिखा आपने, रामा नीचे दो dash लगा दीजिए for indicating it as रामा. कोई भी नाम के नीचे आप लिख सकते हैं. और इसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज नंबर 120 एंड 120 दिया था. सो आप इसको जिधर भी उन्होंने पाउंड्स का दिया था आप यूज कर सकते हैं. जिधर डॉलर्स के यूज किया यू राइट इधर फुल स्टॉक और यू मेक इट एज ए रूपीज. रूपीज के लिए इन्होंने एक ये दे दिया था ऑन द लाइन रे सर्कुलेस लिख दिया तो रुपीस बिफोर द फिगर रुपीस 10,000 crores ऐसा लिखना पड़ेगा. रुपीस 10 मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं आप 10,000 crores हर हाल में. हाल में नहीं है पूरा स्ट्रोक है. रुपीस 10,000 crores ऐसा लिख लीजिए. ठीक है. रुपीस 20
लिखना है ₹20, ₹30, 20, 30। आप ये एक्सरसाइज है, लिख लीजिए, जितना बार लिख सकता है उतना बार लिख लीजिए। इफ यू फील डिस्कम्फर्ट विद राइटिंग डॉलर अबव द लाइन एज डी सरप्लस आर डी, जस्ट राइट द फुल स्ट्रोक। एंड फिगर्स का लेसन छोटा हो गया है, इसलिए मैं एसेंशियल वोवेल्स के साथ इसको जोड़ के एक ही बार बोल रहा हूँ। एसेंशियल वोवेल्स में कुछ वर्ड्स ऐसा होता है उसको आपने वोवेल प्लेस करके ही लिखना ही पड़ेगा, तो कि आप आराम से उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए और पढ़ने के लिए वो तो यूजफुल रहेगा। उन्होंने चार पांच कंडीशंस दिया था, सो लेट अस डिस्कस वन आफ्टर द अदर। इसमें पहले वाले में फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन सिंगल स्ट्रोक आउटलाइंस हैविंग एन इनिशियल और फाइनल वोवेल। कैसा, एको इधर नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, इधर लिख लीजिए, ठीक है, या आपको डाउट है तो दोनों लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यारो पहला वाला छोड़ दीजिए, पोजीशन राइटिंग ऑब्जर्व करते हुए ऐसा लिख लीजिए, यारो एरिया पहला वाला छोड़ दीजिए, आंधी लाइन लिख लीजिए, लास्ट वाला जो ट्राइफोन आ रहा है उसको रख दीजिए, इट बिकम्स एरिया है, आप आराम से उसको पढ़ सकता है। इरा पहला वाला छोड़ दीजिए और जो लास्ट वाला है उसको रख दीजिए, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। दीज आर ऑल ओनली सिंपल एग्जाम्पल्स है, एग्जॉस्टिव नहीं है, यही सिर्फ इस चार का नहीं है, बहुत कुछ हमें आप अप्लाई करना पड़ेगा इसी प्रिंसिपल को। दूसरा कंडीशन ये है, आप पोजिशन राइटिंग में लिखना है वेदर द वर्ड हैज इनिशियल वोवेल और फाइनल वोवेल, लाइक इन वर्ड्स आइजैक, आइटम, रिव्यू, ऑनलाइन, इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन, फ्यूचर, थ्रू द लाइन, आर्ग्यू, अबाउट द लाइन, और रेन्यू ऑन द लाइन, ऐसा लिख लीजिए तो आप पहला वाला वो विल ओमिट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेयर एन अपवर्ड आर डाउनवर्ड, अपवर्ड आर डाउनवर्ड आर आर एल does not indicate a preceding or following vowel, the vowel sign should be inserted, like in right. पहला वाला रख रहा है, दूसरा वाला आई डिप्थंग को छोड़ रहा है, erode, इधर पहला वाला लिख रहा है, ये वाला छोड़ रहा है, रो वो वाला छोड़ रहा है, erode, irritable, पहला वाला रख रहा है, बाकी सारा छोड़ रहा है, पोजिशन राइटिंग लिखने का बहुत आवश्यक है इधर। oracle पहला वाला लिख रहा है, बाद वाला छोड़ रहा है, aroma पहला वाला लिख रहा है, बाद वाला छोड़ रहा है, by writing the पोजिशन राइटिंग। जॉली पहला वाला लिख रहा है, दूसरा वाला छोड़ नहीं रहा है, पहला वाला छोड़ के दूसरा वाला लिख रहा है, अबोव द लाइन लिख रहा है। और जेली, पोजिशन राइटिंग इंपॉर्टेंट है इधर, दोनों का एक ही स्ट्रोक है, उल्टा सीधा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, जेली और जिल्ली, थ्रू द लाइन, बिल्लो, बिल्लो में लास्ट वाला रख रहा है, थ्रू द लाइन लिखते हुए बिल्लो, और एयरली में लास्ट वाला रख रहा है, पोजीशन राइटिंग लिखते हुए,
हमने पहला प्रिंसिपल्स में क्या सीखा था, व्हेनेवर एन इनिशियल वोवेल प्रेसीड्स आर, हम डाउनवर्ड आर लिखेंगे बोल के बोल रहा था, इधर डाउनवर्ड आर नहीं लिख रहा है, अपवर्ड आर लिख रहा है, क्योंकि टी के साथ इट इज नॉट फीजिबल टू राइट डाउनवर्ड आर, इसलिए इधर हम वोवेल पहले वाला इंडिकेट करना पड़ रहा है, दैट इज द रीजन वाई उन्होंने इधर रखा था। और आपको ज्यादा डाउट है तो आप इधर भी लगा दीजिए राइट। द सेम वे एरोड, एरोड आप ऐसा लिख दिया तो कैसा चलेगा आपको, स्ट्रोक फीजिबल नहीं है, इसलिए हम रे लिखते हुए रे का पहले ओवल को इंडिकेट कर रहा है एरोड। और जिल, जिल में भी रे लिख सकता है, और इरिटेबल में भी डाउनवर्ड आर आप लिख नहीं सकता टिक का पहले, इसलिए पहले रे लिखते हुए उसका पहले जो प्रेसीड कर रहा है वो हम उसको मेंशन कर रहा है। अभी तक उन्होंने तीन कंडीशंस बोला था, लेकिन चौथा कंडीशन में क्या बोल रहा है, जनरल स्पीकिंग वोवेल शुड बी इंसर्टेड वेयर वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव सिमिलर आउटलाइंस एंड द सेम पोजिशन राइटिंग, एंड दूसरा वेयर ए वर्ड इज अनफेमिलियर आर अनफेमिलियर इन द स्पेशल सेंस इन विच इट इज यूज्ड, और तीसरा कंडीशन क्या है, where an outline has been written incorrectly, badly or without any position, then also you have to keep all the vowels to recognize the word at the time of transcribing, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, it is, और एक condition last में क्या बोल रहा है, it is also advisable to vocalize as fully as possible, जितना रख सकता है उतना रख दीजिए, क्यों, वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज अननोन, आप सपोज अननोन पैसेज लिख रहा है, सपोज आप नॉर्मली प्रैक्टिस किया था नॉर्मल वर्ड्स, बट आपने लायर के पास चले गया था, लीगल टर्मिनोलॉजी आना शुरू हो गया था, देन आपको लीगल टर्मिनोलॉजी सपोज आपका प्रैक्टिस नहीं है, आप आउटलाइंस लिख लिख के उसको आप बाद में रिकग्नाइज करना ही पड़ेगा। और दूसरा वेयर द लैंग्वेज इज पोइटिकल, मतलब poetical or unusual or florid, because in these instances the context is not as helpful as in other cases, मतलब जितने आप सपोज कोई राइटर आके आपको पोइटिकल सेंस में बोलना शुरू कर दिया था, आप उस समय आप वोकलाइज जितना मतलब कर सकते हैं उस वर्ड्स को उतना कर दीजिए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, लिस्ट दिया था इंसर्शन ऑफ इनिशियल वोवेल और इंसर्शन ऑफ फाइनल वोवेल, उसका उन्होंने किधर किधर आप 100% रखना है उसके लिए वो बोल रहा है, फर्स्ट पोजिशन में, सेकंड पोजिशन में और थर्ड पोजिशन में, वेयर यू हैव टू 100% प्लेस द वोवेल टू रिकग्नाइज दैट वर्ड, अने at the time of this transcription. So let us see kya kya diya unhone, initial ka do teen words dekhenge kyunki unhone already list de diya tha. Inhone diya tha dekh lena, apposite, spelling is very important, idhar ya ka rakh diya tha, opposite mein udhar bhi rakh diya, apathetic, see दोनों का एक ही जैसा है, apathetic, apathetic, ज्यादा बड़ा होगा, apathetic, दोनों सिमिलर आउटलाइंस है, तो डिस्टिंक्शन हम देने के लिए हम एक वोवेल पहले या बाद में, जो पहला वाला भी इनिशियल का है ना, इनिशियल हम मेंशन करना ही पड़ेगा टू एग्जैक्टली ट्रांसक्राइब दैट वर्ड। और अप्रोक्सीमेट, आपको समझ में आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इधर पहले रख दिया था अप्रोक्सीमेट, नहीं रख दिया तो अप्रोक्सीमेट,
रखने का जरूरत भी नहीं वैसे देखिए, अप्रॉक्सीमेट ठीक है, बट आप रख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रॉक्सीमेट और अप्रॉक्सीमेट और अप्रॉक्सीमेट इधर रख दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैथेटिक इधर भी रख दीजिए, ना रखने के बाद भी चलेगा पी के बाद वाला, लेकिन पी के पहले वाला आप 100% रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एक ही जैसा आउटलाइन है। सपोज आप एपैथेटिक को पैथेटिक ट्रांसक्रिप्ट किया, पैथेटिक को एपैथेटिक ट्रांसक्रिप्ट किया, यू आर लूजिंग द मार्क्स। एब्सोल्यूट अब्सोलीट, एब्सोल्यूट और अब्सोलीट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इधर पोजीशन राइटिंग में आप पकड़ सकता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑन द राइट, अक्रॉस क्रॉस, अक्रॉस में आप रखना ही पड़ेगा, अक्रॉस क्रॉस रखना है तो रख दो, लेकिन इधर जरूर रख दें अक्रॉस, लाइक दैट ही हैज गिवन सो मेनी वर्ड्स। इंसर्शन ऑफ ए मीडियल वर्ड, मीडियल किधर एसेंशियली रखना है, अडैप्ट इधर रखने की जरूरत नहीं, इधर का पक्का है बोला, अडैप्ट अडॉप्ट इधर भी पक्का है बोला, ऑप्ट अडॉप्ट एक्सट्रिकेट एक्सट्रैक्ट एक्सट्रिकेट वही एक्सट्रिकेट एक्सट्रैक्ट दोनों आंधी लेने थोड़ा ऊपर चले गया था, एक्सट्रैक्ट ट्रैक्ट केट कमिश्नर 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 इधर लाइक दैट, अमेजिंग amusing, innovation, invasion, innovation का थोड़ा सा innovation, innovation वो रखना पड़ेगा आपको, invasion में जरूरत नहीं, आप position writing में लिख लीजिए, last last में आप mention करना है, last में mention करने की जरूरत नहीं है, दोनों above the line, that is the reason why has placed vowel for one thing and has not placed any vowel for the second one. Layman or laymen, layman or men, क्या difference है, एक singular है एक plural है, so man के लिए उन्होंने vowel रख दिया था, plural men के लिए उन्होंने नहीं रखा। Sulfite sulfate, fight में एक diphthong रखा है, sulfate में या फॉलोअर से छोड़ दिया, और ह्यूमनली ह्यूमेनली ह्यूमनली और ह्यूमेनली मेनली और मनली, उसके लिए यम के बाद दोनों के पास एक को फर्स्ट प्लेस में रख दिया था वो, एक को दूसरे प्लेस में रख दिया, और तीसरा मतलब इंसर्शन ऑफ ए फाइनल वर्ब, फाइनल वर्ब में वेयर वी हैव टू मेंशन एंड वेयर वी हैव नॉट टू मेंशन उसके बारे में, क्योंकि सिमिलर वर्ड्स का उन्होंने पहले ही बोल दिया था, उस समय आपको रखना है पड़ सकता है बोल के, जैसा चिल्ली चिल जिधर है वो वेल उसको आप रखना ही पड़ेगा, चिल्ली ने और मोनार्की और मोनार्क मोनार्की उनके लिए एक ही है, लेकिन मोनार्की में आपको रखना ही पड़ेगा, एमिकबली उधर रखना पड़ेगा, एमिकबली एमिकबल रखने की जरूरत नहीं, मंकी और मॉन्क, मॉन्क आपको दो दो लाइन लिख सकता है, लेकिन उन्होंने मॉन्क मंकी पढ़ रहा है इसका मतलब, और मैनली और मैनुअल
मैनली, ये है ना स्ट्रोक। उन्होंने ये वाला छोड़ दिया और जो लास्ट वो वाला इसको रख दिया था। पोजीशन राइटिंग से अबोव द लाइन आपको इधर पढ़ना पड़ेगा, कोई वोवेल है वो। और इधर मैन्युअल आप ये रख दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैनली और मैन्युअल आपको इसको रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा डाउट है तो आपको ठीक है। मैन्युअल और मैनली, एनिमी और नेम दोनों के लिए एक ही स्ट्रोक है। प्रॉब्लम यही है, एनिमी नेम में रख दीजिए आप। नेम एनिमी इधर रख दीजिए ठीक है। और एनोमली रोदिले, एनोमली और एनिमल के लिए भी यही है स्ट्रोक है ना। तब आपने ये एनामली के बाद एक वोवेल रख दीजिए, आपको पढ़ने में सुविधा मतलब इजी हो जाएगा। स्नो और सन, स्नो में रख दीजिए, सन में रखने की जरूरत नहीं है। एस यू एन सन और एस ओ एन सन, आपका सारा प्रॉब्लम सभी से शुरू हो जाएगा। देश्वरे सीन पढ़ सकता है, सन पढ़ सकता है, सन पढ़ सकता है और स्नो पढ़ सकता है। स्नो ना पढ़ने के लिए वोवेल लिख दीजिए, बाकी सारा कॉन्टेक्स्ट फॉलो कर लीजिए, सीन या सन और सन ठीक है। और लिबरल, लिबरली वोवेल लिख दीजिए। लिबरल मतलब रेडिकली वो अलग दीजिए, रेडिकल मतलब लाइक दैट। डिस्टिंक्शन आपको आइडेंटिकल आउटलाइंस फॉर्म हो रहा है डिफरेंट वर्ड्स के लिए, सो टू डिसिवर दम इन द इजिएस्ट मैनर पॉसिबल यू हैव टू आइदर वोमिट और प्लेस द वोवेल। सो एसेंशियल वोवेल आप प्लेस कर दिया तो जो नॉन एसेंशियल वाला वर्ड्स को आप आराम से डिस्पर कर सकते हैं। दैट इज द एसेंस ऑफ द एसेंशियल वोवेल्स। इसके बाद इन्होंने एक्सरसाइज नंबर 121, 122 एंड 123 तीन एक्सरसाइजेस दिया था, बढ़िया सा। ये तीनों आप प्रैक्टिस कर लीजिए और ये लेसन आप लोग कम से कम एक हफ्ता प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उधर एक स्पीड है, इधर तीन स्पीड्स है और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, उस सारे को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे नंबर्स में मिलियन, 100, बिलियन, इसको जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी सारा आई विल नॉट मतलब इंसिस्ट। पाउंड के लिए आप वैसा लिख सकता है, सो लिख लीजिए। और स्टेरलिंग पाउंड बोल दिया तो आप क्या करोगे, तब आप पूरा लिखना पड़ेगा स्टेरलिंग पाउंड लाइक दैट। आप 100, मिलियन, 1000, मिलियन थाउजेंड ये अंग्रेजी वालों का, हमारा नहीं। सो उससे आप ज्यादा जान मत देना, क्योंकि हम लैक्स बोलता है वो लोग 100,000 बोलता है ठीक है। क्योंकि वो सपोज 4 लैक्स बोल दिया, आप 4 लैक्स ऐसा लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से इसको डिस्कवर कर सकते हैं। लेकिन आप मतलब ज्यादा मतलब ये है हंड्रेड थाउजेंड ऐसा भी लिख सकते हैं, और 100,000 मतलब 4 लाख है। लेकिन आप इधर उन्होंने स्पीड में LAKH बोल दिया, आप ऐसा लिख दिया था, अब आप 400,000 लिखोगे,
लेकिन उन्होंने वर्ड बोला, आप फिगर डाला, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो उन्होंने जो बोलता है वही लिख लीजिए, वही ट्रांसफर कर लीजिए, वो करने के लिए जिधर एसेंशियल रोल है उधर प्लेस करने के लिए कोशिश करते हैं। और दिस डे द लेसन इज ओवर, वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो आफ्टर सम टाइम। गुड डे। Important note, don't try to remember the strokes without practicing. Practice, practice and practice. There is no other way to learn and master stenography.